कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे चार ट्रैक्स हैं टोटल, दो मेन लाइन है, दो लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका ओएचई का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है, वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं, इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करें। 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। धन्यवाद।